राष्ट्रवादी के नेता तथा ओबीसी नेता डॉक्टर अशोक जीवतोड़े के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति का निषेध दर्शाया। राष्ट्रवादी के सर्वे सर्वा तथा देश के ज्येष्ठ नेता शरद पवार, इनके घर पर षड्यंत्रकारी हमले के विरोध में स्थानीय जनता कॉलेज चौक में निषेध निदर्शन किया गया। इसमें राष्ट्रवादी के नेता तथा ओबीसी नेता डॉक्टर अशोक जीवतोड़े, इनके नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए थे। एसटी कर्मचारी विलीनीकरण की मांग के लिए आक्रामक हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार, इनके मुंबई के सिल्वर ओक निवास स्थान में घुसकर आंदोलन करते शरद पवार के घर पर चप्पल और पत्थर फेंक की गई। उच्च न्यायालय ने एसटी कर्मचारियों को 22 अप्रैल तक सेवा में रुजू होने के आदेश दिए थे। साथ ही कर्मचारियों को निवृत्ति वेतन और ग्रेच्युटी देने के साथ उन पर कार्रवाई न करने की सूचना एसटी महामंडल को की थी, लेकिन फिर एसटी कर्मचारी आक्रामक हुए। सैकड़ों की संख्या से एसटी कर्मचारी शरद पवार के मुंबई के निवास स्थान में घुसे और घोषणाबाजी की। यह न्यायालय का अवमान होकर ज्येष्ठ नेता शरद पवार इनके विरुद्ध षड्यंत्र है। देश के ज्येष्ठ और जन सेवा के लिए छट रहे नेता के घर पर ऐसा हमला करना पुरोगामी और सामाजिक सुधारकों का वारसा संजोने वाले राज्य की अशोभनीय घटना होकर ऐसी घटनाओं का और षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति का तुरंत निषेध किए जाने का डॉक्टर अशोक जीवतोड़े ने कहा है। इस समय संजय सपाटे, अशोक पोफड़े, नितिन कुकड़े, रवि देवाड़कर, आरिफ शेख, संजय बेर्डे, आशीष महातले, नितिन खरवड़े, सचिन सुरवाड़े आदि सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए थे। आदरणीय शरद पवार साहेबांच्या मुंबई येथील सिल्वर ओक बंगल्यावर जो षड्यंत्रकारी आंदोलनाच्या माध्यमातून षड्यंत्रकारी प्रवृत्तींनी जो धड हल्ला केला त्याचा निषेध म्हणून आज या चंद्रपूरच्या शहरामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे आम्ही त्याचा जाहीर निषेध करीत आहोत।